हमने सबने तैयारी की और ये सब तख्ती हमने इस तरह से सैकड़ों तख्ती हमने तैयार कर ली। दावे कर रहे थे आप जो अखंड भारत हमारा है, बांग्लादेश हमारा है, झंडा फहराएंगे, 15 अगस्त पे जाएंगे, पदयात्रा निकालें, बैरंग लौट के क्यों आ गए? योगी महाराज जी विपक्ष में ठीकरा फोड़ रहा, मोदी जी प्रधानमंत्री और विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ कत्लेआम हो रहा है। वो भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, सब ने मिलकर जानबूझकर कत्लेआम कराया है, ये मुझे एहसास हो। और उनका बयान है ये, उन्होंने कहा हिंदू समुदाय को यूनिस का भरोसा, हमला करने वालों को देंगे सजा। मुकदमे लगे, रासुका लगी, जाने कितने मुकदमे आज मेरे ऊपर चल रहे हैं, मैं सब मुकदमों को झेलते हुए सब काम करता रहा। वर्ग की, हर धर्म के लोगों की, हिंदू की भी आवाज उठाई है, मैंने मुसलमान की भी आवाज उठाई है, लड़ाई लड़ी है, हर जाति के लोगों की लड़ाई लड़ी है। अखंड भारत का नारा है, बांग्लादेश हमारा है, इस नारे को लेकर जाए 15 अगस्त पर ये सहारनपुर से निकले और मेरठ से अपनी पूरी तैयारी के साथ बांग्लादेश ढाका जाकर जाए, झंडा फहराने का दावा करने वाले वीरेंद्र सिंह गुर्जर आखिर ढाका में झंडा क्यों नहीं फहरा पाए, क्यों मेरठ से बैरंग उन्हें सहारनपुर वापस लौटना पड़ा और अलविदा भाजपा इन्हें कहना पड़ा है, आखिर सबकी वजह क्या रही है, इस संबंध में बातचीत करेंगे, इनसे चर्चा भी की जाए कि ये तमाम मामले क्या रहे हिंदुओं पे, जब वहाँ पर असंवैधानिक तरीके से जो उन पर हमले किए जा रहे थे, जो गैर मुस्लिम लोग पर हमले किए जा रहे थे, जो अमान्य कृत्य वहाँ पर आ रहे थे, आखिर इतना बड़ा दावा करने वाले वीरेंद्र सिंह गुर्जर जो है ढाका में क्यों नहीं पहुँच पाए, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी रेडियो के साथ हैं जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत। बड़े दावे कर रहे थे आप जो अखंड भारत हमारा है, बांग्लादेश हमारा है, झंडा फहराएंगे, 15 अगस्त पर जाएंगे, पदयात्रा निकालेंगे, बैरंग लौट के क्यों आ गए? इसका कारण, दो कारण थे बैरंग लौटने का, नहीं तो हमने सबने तैयारी की और ये सब तख्ती हमने इस तरह से सैकड़ों तख्ती हमने तैयार कर ली थी, सब अपना तैयारी करके हम यहाँ से सहारनपुर से निकले थे, मेरठ भी हमारे बहुत साथी तैयार थे और ऐसा कोई बात नहीं थी जो हम वापस आए। लेकिन 14 तारीख में अमर उजाला अखबार जो सहारनपुर में छपा हुआ था, जो वहाँ यूनिस, मोहम्मद यूनिस जिन्हें जिम्मेदारी मिली है वहाँ अब शासन की, प्रधानमंत्री बने वहाँ, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी उनके पास है, और उनका बयान है ये, उन्होंने कहा हिंदू समुदाय को यूनिस का भरोसा, हमला करने वालों को देंगे सजा, और ये मंदिर में सभी हिंदुओं को इकट्ठा करके उसने वहाँ वादा किया और जिसने वहाँ कत्लेआम मचाया है उनको सजा देने की वादा किया, ये अखबार में छपा, ये कारण रहा। ये एक और कारण रहा, असली कारण, शेख हसीना जो 15 साल तक वहाँ शासन कर रही थी, तानाशाही शासन, और जो वहाँ से छुप के सबको पीछे छोड़ के और वहाँ से दुम दबा के जो भागी और हमारे भारत देश में यहाँ पनाह ली, भारत सरकार ने उसको यहाँ पनाह दी, जबकि असली दोषी शेख हसीना इस सारे कांड की है, ये खुलकर सामने आ गया। हमारी वहाँ बातचीत भी हुई, वहाँ के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि अगर चाहती, शेख हसीना चाहती तो ना वहाँ कोई कत्लेआम होता, ना वहाँ कोई इस तरह विवाद होता, छात्रों का झंझट था और उनकी जो मांग थी इसने मांग पूरी नहीं की, तानाशाही की, अगर वो वहाँ समय पर उसका समाधान करती तो कोई कुछ नहीं होने वाला था, और वहाँ से भाग के आई। और यहाँ हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने उसको शरण दे ली, जिस तरह से यहाँ किसानों का झगड़ा चला था, कई महीने तक यहाँ किसान दिल्ली को घेरो बैठे थे अपनी मांग मनवाने के लिए, किसान आंदोलन चला था, 750 लोग वहाँ किसान अपने शहीद हुए थे। अगर समय पे माननीय प्रधानमंत्री, जो बाद में उन्होंने कहा, माफी मांगी किसानों से और वादा भी किया कि MSP पे भी कानून बनेगा, सब बनेगा, अगर वो शुरू में कर देते तो 750 लोग शहीद नहीं होते।
ये गलती, इसी तरह गलती वहां शेख हसीना ने की है और हमारी सरकार ने उसको पनाह दी और पनाह देने वाले की जिम्मेदारी बनती है उसके पीछे उसका परिवार हो, उसका कोई मिलने वाला हो, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। वो प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये जानबूझ के हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, सब ने मिलकर जानबूझ कर कत्लेआम कराया है। ये मुझे एहसास हो गया, इसलिए महा जाने के बजाय मैंने जो 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, निस्वार्थ भाजपा की सेवा की है, मुकदमे लगे, रासुका लगी, जाने कितने मुकदमे आज मेरे ऊपर चल रहे हैं, मैं सब मुकदमों को झेलते हुए सब काम करता रहा। लेकिन जो वहाँ बांग्लादेश में जो कांड हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, उसको देखते हुए मैंने वहाँ 15 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कह दिया, उसको छोड़ दिया मैंने। वहाँ पर सबसे बड़ा काम मैंने ये किया है, मैं जीने मरने की कसम खाई थी भाजपा में रहूंगा, लेकिन वहाँ के कांड को देखकर मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का काम किया। अखबार में छपे मोहम्मद यूनुस के एक बयान पे आप यह नहीं पहुंच पाए, बैरंग वापसी मेरठ से आप घर वापसी लौट आए, लेकिन जो कत्लेआम या जो अमानवीय व्यवहार है वहाँ पे हिंदुओं के साथ या गैर मुस्लिम लोगों के साथ हुआ है, तो ये तो एक परंपरा जो उन्होंने शुरू की है, तो उसमें तो जो आपने अपना इरादा बनाया था कि जो बांग्लादेश जाएंगे, झंडा फहराएंगे, अपने भाइयों को जो है जान माल से बचाएंगे, जिस तरह के जो वहाँ पे तख्ता पलट के समय में ये चीज़ें हुई है, तो क्या ये लाजमी थी, इनका बचाव नहीं किया जा सकता था, या वीरेंद्र की गुजर को किसी तरह का डर सता रहा था कि जो आगे उनके कदम नहीं बढ़ पाए। देखिए, जो हमने कहा था वो हमने उसको समाप्त नहीं किया, स्थगित किया, और स्थगित इसलिए किया है कि हमारी जो सरकार है जिसे हमने 10 साल दिए आज मौजूदा है, और जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के योद्धा अपने कहते हैं, और वो यहाँ बयान दे रहे हैं कि वहाँ जो कत्लेआम हो रहा है, वहाँ जो हिंदुओं के साथ, दलित हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, विपक्ष मौन बैठा हुआ है, मतलब विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रहे, योगी महाराज जी विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रहा, मोदी जी प्रधानमंत्री और विश्वगुरु बनने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ कत्लेआम हो रहा है, वो शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री को गोद में बैठा के बिरयानी खुआने का काम कर रहे हैं और वहाँ इतना बड़ा जातिर जुल्म हो रहा है, उसके बाद भी वहाँ का जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस इस बात को कह रहा कि हिंदुओं मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें हर तरह से पनाह दूंगा, मंदिरों को सुरक्षित रखूँगा, उन्हें सजा मिलेगी, अब हमने इस पे क्रोधित होकर जो 20 साल मैंने मेहनत की, तपस्या की है भाजपा को लाने के लिए, हमने अपने आप को फना करवा दिया, अपने साथियों को फना करा दिया, जो लड़ लड़ के भाजपा को लेकर आए, सपा और बसपा से लड़े, तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये रहा है कि मैं भाजपा से अलविदा कहकर इस लड़ाई को फिर दोबारा लड़ूंगा, जो हमारा बांग्लादेश पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जाती जुल्म से आज़ाद कराने का काम भारत की सरकार ने किया था, वो हमारा हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है, वो स्थगित किया है, उससे हम वापस नहीं हुए, वीरेंद्र गुर्जर पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है, उस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। आपको नहीं लगता था कि सत्ता में रहकर आप अपनी बात को जब मजबूती से उठा सकते थे, हिंदू को जिस तरह के अत्याचार हो रहे थे, उस अत्याचार की बात जो है शासन प्रशासन और सीएम पीएम तक जो है अपनी बात को जो मजबूती से जो है अखंड भारत की बात को जो है तमाम उन बातों को रख सकते थे, तो ऐसे समय में जो है एक पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसका अभी कोई वजूद नहीं है, उस पार्टी में आप आ जाते हैं, अलविदा भाजपा कहते हैं, और आप खुद ही बता रहे थे कि जो प्रत्येक जनशक्ति पार्टी ने मैंने जो सदस्यता ज्वाइन की है और वहाँ पे जो मैं पदाधिकारी भी बनाऊँ, क्या लगता है कि जो प्रत्येक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से आप उस लड़ाई को लड़ पाएंगे जिस लड़ाई की जो आज हाल फिलहाल में जरूरत है, जिसको जो है वीरेंद्र सिंह लड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपने सच बात कही है, मैंने कई बातें अपनी पार्टी में रहते हुए, आपके ध्यान होगा 84 दिन तक अनशन यहाँ किया जी, बिल्कुल, इस कलश के अंदर जो कलश रखा है सामने जी जी जी, हमारे उन क्रांतिकारियों की माटी है, खून से सनी हुई माटी सैकड़ों जगह की जी, मैं पद यात्रा के माध्यम से सब जगह की इसमें माटी सजो के
जी और पद यात्रा करते हुए जी और सरकार के समक्ष जी जंतर मंतर में पहुंचने का मैंने काम किया जी। सिर्फ ये बात थी कि जो क्रांतिकारियों ने जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए, उनको पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखे। हमारी मांग थी जो अंग्रेज़ों ने यहाँ जुल्म अन्याय करके कानून पास किए थे उनको समाप्त किया जाए। हमारी मांग थी जिन जातियों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया था, बागी घोषित कर दिया था, जन्मजात चोर घोषित कर दिया था, उन्हें स्वतंत्र सेनानी का दर्जा दिया जाए। और जो सेना रेजिमेंट अंग्रेजों की बनाई हुई जाति और धर्म के आधार की उन्हें समाप्त करके भारतीय नाम से बना दिया या सभी की बना दो, फौज में तो सब जातियां हैं। ये हमारी मांग थी, कितना संघर्ष किया मैंने लेकिन सरकार ने हमारी कोई बात नहीं मानी। मैं सरकार के सामने ये बात रखी कि जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश में चाहे सहारनपुर 1822 की क्रांति हो, चाहे 10 मई 1857 की मेरठ की क्रांति हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश से क्रांति जागी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। जब देश आज़ाद हुआ, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की साथ अन्याय और धोखा करने का काम किया। हमारे यहाँ चार प्रदेशों की सीमा जोड़ रही है जी, चाहे सहारनपुर हो, मेरठ हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो हरियाणा और दिल्ली, और यहाँ की राजधानी और हाईकोर्ट 200-250 किलोमीटर, और हमारी उस क्रांति भूमि की जहाँ हजारों करोड़ों लोग मरे वो 700-800 किलोमीटर जाना पड़े। हमने ये भी मांग सरकार के सामने रखी लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वैसे ही फैसला नहीं किया, वहाँ कोई वजूद नहीं है, कोई धरना दे लो, भूख हड़ताल कर लो, कोई कितना ही मर जाओ लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो तानाशाही अपने हिसाब से काम करने वाले लोग हैं, लोगों के साथ में विश्वासघात किया है, उनकी भावनाओं को भड़का के विश्वासघात किया है, मेरे साथ भी विश्वासघात हुआ है। मैंने कभी अपने स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ी और मैं आप जिस पार्टी को कह रहे पथिक जनशक्ति पार्टी, ये एक राजनीतिक वजूद लेकर हम इसमें चलेंगे और हम वही चीजें जो हमारी सरकार ने नहीं सुनी, चाहे तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश, हमारा इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा है, इसके चार हिस्से होने चाहिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अलग होना चाहिए, उनके चार हिस्से होने चाहिए ताकि सबको न्याय मिल सके, सबको विकास हो सके, हमारे उन क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तक इतिहास में जगह मिल सके। ये सारी बातें हम पथिक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से इस लड़ेंगे और समाज के साथ में समाज के सामने जाएंगे और हमें उम्मीद है आने वाले चुनाव में 2027 में हम सरकार बनाओगे, सरकार में हिस्सेदारी करेंगे, इसे कोई रोकने का नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे 2027 में, जब मुख्यमंत्री भी हमारा होगा कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपकी बातों से एक बात लग रही है कि जैसे सरकार में रह के अपनी बात को नहीं कह पा रहे थे, बाहर आके जो है दूसरी पार्टी में आके शायद आप जो अपनी बात को जो है बुलंद तक जो है उठाने का काम शायद आप करने जा रहे हैं, किस तरह की शुरुआत करेंगे इस बात को जो है कि जो आवाज़ वीरेंद्र सिंह उठाते रहे हैं दलित मजलूम और जरूरतमंद की जो आवाज़ आप उठाते रहे हैं, हिंदू की बात आप करते हैं हमेशा, चाहे देवबंद में जाए एक लड़ाई लड़ने का काम आपने किया हो, तमाम बातें, क्या आपको लगता है कि जो है आज हाल फिलहाल में जब आप पथिक जनशक्ति पार्टी में आए हैं तो जो है मजबूती से उठा पाएंगे? बिल्कुल, मैं हर वर्ग की, हर धर्म के लोगों की, हिंदू की आवाज़ उठाई है मैंने, मुसलमान की भी आवाज़ उठाई है, लड़ाई लड़ी है, हर जाति के लोगों की लड़ाई लड़ी है। लोग चाहे मुझे भले ही कुछ भी नाम दे दें लेकिन जहाँ अन्याय हुआ मैं लड़ाई लड़ी है, उसके साथ में खड़ा रहा, चाहे वो सड़क दूधली का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे के 47 का मामला हो, चाहे यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई मुस्लिम समाज की साथ खड़ा होकर मैं लड़ाई लड़ी। ऐसे ही अब शोषित समाज जो है, जो वंचित समाज है, जो आज राह पर चल रहा है, सड़क पर जो चल रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने का समय आया है और उन सारी लड़ाई को मैं आज़ादी की तरह से लड़ूंगा। अब मुझे किसी की कोई रुकावट नहीं है और लोगों के बीच में जाकर लड़ूंगा, लोगों को अपनी बात समझा कर लड़ूंगा, मेरे अंदर हौसला भगवान ने दे रखा है, उस हौसले के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि समाज सभी वर्गों को,
सभी जाति धर्म के लोगों के साथ लेके इस लड़ाई को लड़ेंगे तो बिल्कुल सुनाई होगी और सच्चे मन से हम जब लड़ाई को लड़ेंगे हमारी जीत अवश्य होगी। पथिक जनशक्ति पार्टी में आया सदस्यता ग्रहण कर लिया, पदाधिकारी भी आप बन चुके हैं, क्या पद आपको मिला है? देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। हमारा मकसद तो यह था कि 15 अगस्त को हम क्रांति धरा से उन मजलूम उन लोगों के अत्याचार जहां हो रहे वहां अब न्याय की इस लड़ाई को लड़ेंगे और पथिक जनशक्ति पार्टी जो उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बनाया था उस टाइम वहां जाने का, वो भी साथ चल रहे थे, लेकिन जब वहां मैंने पार्टी छोड़ दी तो उनकी उनकी हिम्मत और हौसला देखो, जो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिरम सिंह जी, उन्होंने तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दिया और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के हौसला मुझे 15 अगस्त को क्रांति धरा मेरठ की धरती से पगड़ी पहना के और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आप जब बन चुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सुप्रीम पावर माने जाते हैं किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन की, किस तरह के जब जब पार्टी को जाए आगे बढ़ाने का कार्य आप करेंगे? क्योंकि जब पार्टी जाए जब तक जाए यूथ और बूथ से नहीं जुड़ेगी, जब तक जो दलित मजलूम और जो बेसहारा या जरूरतमंदों से नहीं जुड़ेगी तब तक जो पार्टी को जो कोई मजबूती नहीं मिल पाएगी, कैसे आप तय करेंगे? देखिए आप तो हमारे बीच के हैं, मुझे 20-25 साल हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते, बिना स्वार्थ के लड़ाई मैंने लड़ी है और सभी जाति धर्म के बीच में मैं जाने का काम किया है, सबसे मेरे ताल्लुक है, सब मेरा विश्वास करते हैं, मेरा साथ देने का काम करते हैं और जब मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, न्याय के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा तो सब लोग सहयोग करेंगे और हम चाहे चुनाव छोटा हो बड़ा हो सारे चुनाव लड़ने की बात हमने वहाँ घोषणा की है। हम जो उपचुनाव है उपचुनाव में हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और उसी दिन वहीं 15 अगस्त को ही वहीं हमारा उम्मीदवार मीरापुर का तो वहीं आ गया था, उसको हमने घोषणा कर दी, चुनाव भी लड़ाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे भी और लोगों की समस्याओं में खड़े होने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारा सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे और हम जब जनता की आवाज़ लड़ेंगे और देश को सर्वोपरि मानकर, एक मेरा और बात है, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मेरे लिए सर्वोपरि है राष्ट्र, सर्वोपरि है जाति धर्म बाद में है राष्ट्र पहले है, ये मेरी हमेशा मेरे दिल की ये तमन्ना रही है, उसी बात को मैं लेकर लड़ता रहूँगा। तो हमने नारा दिया है तिरंगा हम कभी झुकने नहीं देंगे, संविधान को हम कभी मिटने नहीं देंगे, इस वसूल पर हम काम करेंगे और इस पर पूरी जनता पूरे लोग हमारे साथ लगे। अखबार की कटिंग जिस तरह से आप आए, मोहम्मद यूनिस ने जिस तरह की अपनी बात रखी है, हम भी ऐसे मायने रखते हैं कि जो अपनी बात पे खड़े उतरे, जो आप गैर इस्लामिक लोग हैं उनको जो है वहाँ पे सुरक्षा मिले, उनको जो है सम्मान मिले, उनको जो है वहाँ पे रहन सहन का जो कल्चर है उस कल्चर में पले बढ़े आगे बढ़े और शिक्षा दीक्षा से जुड़े, और इसी विश्वास पर जो आपने जो अपनी यात्रा को जो है विराम देने का काम किया, वापसी लौटे हैं और हाल फिलहाल में आप जो पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसके लिए आपको जो बहुत बहुत मंगल कामना जेडीन की ओर से, और बातचीत करने के लिए जेडीन के साथ मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीरेंद्र सिंह जी आपको बहुत बहुत मंगल कामना के लिए, आप जो है एक पथिक पार्टी से जुड़े हैं और हमेशा पथिक बनकर जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।